नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के दौरे पर बिहार आएंगे। वो 20 से 22 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे। 22 अक्टूबर राष्ट्रपति तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन कार्यक्रम को देखते हुए गृह विभाग ने जिला प्रशासन को खास तौर पर अलर्ट किया है और तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं होने का सख्त निर्देश दिया है। राष्ट्रपति के पूरे दौरे तक सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्मनाक हरकत सामने आई है। T20 विश्व कप के लिए उन्होंने अपनी जर्सी पर आयोजकों में भारत के नाम की जगह संयुक्त अरब अमीरात का नाम लिखवाया है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल टूर्नामेंट का मेजबान भारत है, लेकिन कोविड-19 की वजह से टूर्नामेंट UAE और ओमान में खेला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने शुक्रवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल वासियों को छठ पूजा की अनुमति नहीं देने को लेकर सीएम केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि जब लोग कोविड के किसी खतरे के बिना स्विमिंग पूल का आनंद ले सकते हैं, तो श्रद्धालुओं के चंद घंटे पानी में रहने से कोरोना संक्रमण कैसे फैल सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को MPC यानी कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुए फैसले का ऐलान किया है। इसमें उन्होंने बताया कि RBI ने देश भर में ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए फ्रेमवर्क पेश करने का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के छोटे स्कूल की पहचान अब की जाएगी। यह पहचान सभी 38 जिलों में होगी। छोटे स्कूल से तात्पर्य प्राथमिक तौर पर उन स्कूलों से होगा जिनमें बच्चों का नामांकन कम है। साथ ही आधारभूत संरचना, वर्ग कक्ष आदि के मामले में भी तंग हाल स्कूल चिन्हित किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका भी अकाउंट SBI में है तो आपके लिए बैंक ने अलर्ट जारी किया है। बैंक ने बताया है कि कल से 3 दिन कुछ घंटों के लिए बैंक की खास सर्विस काम नहीं करेगी। बैंक ने ट्वीट करके ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दे दी है। राजद में तेज प्रताप को लेकर चल रही रार में भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की भी एंट्री हो गई है। सुशील मोदी ने तेज प्रताप की तारीफ करते हुए लालू यादव को चैलेंज किया और राजद के झगड़े पर चुटकी भी ली है। तेज प्रताप को राजद से आउट बताने वाले शिवानंद तिवारी पर भी सुशील मोदी ने हमला बोला। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में टकराव की खबर है। अरुणाचल प्रदेश में बीते सप्ताह भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए और सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला सुलझ गया। कश्मीर में जान गंवाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान का श्रीनगर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार राज्य प्रशासन ने उनके पार्थिव शरीर को पटना तक एयरलिफ्ट करने की पेशकश की थी, लेकिन रिश्तेदारों ने श्रीनगर में ही शव के अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। धोनी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस के दौरान कहा कि आप मुझे अगले साल पीली जर्सी में देख सकते हैं, लेकिन क्या मैं CSK के लिए खेलूंगा, इसके आसपास बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। एक साधारण कारण यह है कि हमारे पास 2 नई टीम आ रही है। हम रिटेंशन नीति नहीं जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम कितने विदेशी भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस की कलह अब तक शांत नहीं हुई है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते देखे गए। इतना ही नहीं, सिद्धू ने खुद को सीएम बनाए जाने की वकालत भी की। वीडियो में सिद्धू ने यहां तक कहा कि 2022 में चन्नी कांग्रेस की लुटिया ही डुबो देंगे। कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के नए मालिक की घोषणा आज हो सकती है। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइसजेट के अजय सिंह ने बोली लगाई है। आज इस बात की घोषणा हो सकती है कि एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में घर वापसी होगी या फिर महाराजा को अजय सिंह के रूप में नया मालिक मिलेगा। कहते हैं ना कि सच कितना भी छुपा लो वो जुबान पर आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज रजा के हाल ही में भारत को लेकर दिए गए बयान के बाद अब एक बार फिर से चर्चा में वो आ गए हैं। दरअसल रमीज रजा ने अंतर प्रांतीय कोऑर्डिनेशन पर स्टैंडिंग कमेटी बैठक में बड़ा खुलासा किया और कहा है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भारत की वजह से चलता है, क्योंकि ICC की 90% फंडिंग भारत ही करता है। देवभूमि उत्तराखंड को अगले कुछ सालों में देश के नंबर वन राज्य बनाने का संकल्पित युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मुहर लगा दी है। एम्स ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को न सिर्फ युवा, ऊर्जावान और उत्साहित मुख्यमंत्री कहा है, बल्कि उन्हें मित्र कहकर संबोधित भी किया।
भाजपा सांसद वरुण गांधी को अपनी ही पार्टी के खिलाफ उनकी बेबाकी और तेज तर्रार रवैये के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि उनकी यही बेबाकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनको हटाने की बड़ी वजह बनी है। हालांकि वरुण गांधी ने एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज में बात करते हुए इन सब बातों को दरकिनार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 5 सालों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक भी बैठक में शिरकत नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसका हिस्सा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर और लखनऊ में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लखनऊ प्रदेश की व्यवस्था के संचालन का केंद्र है और गोरखपुर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। सीएम ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के ठीक पहले चुनाव घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा था। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी दीपक चाहर ने अपनी गर्लफ्रेंड जया को सरेआम खुले मैदान में प्रपोज किया। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करके दीपक चाहर को पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की सारी प्लानिंग की किसने थी? जी हाँ, वो महेंद्र सिंह धोनी ही थे। दरअसल दीपक का प्लान तो कुछ और ही था। वो तो अपने कप्तान के कहने पर उन्होंने अपना इरादा बदला और ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले के बाद गर्लफ्रेंड को कैमरों से भरे बड़े स्टेडियम में प्रपोज किया। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को सवाल उठाया और कहा कि उन्हें कम से कम सहानुभूति का एक शब्द तो बोलना ही चाहिए। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा कि आखिर आप चुप क्यों हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो में आतंकरोधी अभियानों के प्रमुख तपन डेका कश्मीर घाटी में आतंक के खिलाफ नई रणनीति बनाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने तपन डेका के नेतृत्व में एक टीम को श्रीनगर भेजा है। तपन डेका आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की खुद निगरानी करने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लागू करने के लिए DMRC तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके तहत मेट्रो स्टेशन पर लगे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसी क्रम में DMRC ने फेज 4 के स्टेशनों के लिए नए AFC गेट खरीदने और मौजूदा मेट्रो कॉरिडोर के स्टेशनों पर लगे हजारों AFC गेट को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना पर 411.61 करोड़ खर्च होगा। आर्यन खान मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। मुंबई की एक स्थानीय कोर्ट ने आर्यन खान और 7 अन्य आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आर्यन और 2 अन्य आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन किया है, लेकिन इस अदालत ने शनिवार को दोपहर 12:30 बजे सुनवाई करने का फैसला सुनाया है। शाहरुख खान के बेटे की तरफ से वकील ने कोर्ट में यह दलील दी है कि उन्हें पार्टी में केवल रंग जमाने के लिए बुलाया गया था। जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि लखीमपुर खीरी घटना के बाद जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता में फिर से बड़ी वापसी होगी, उनको निराशा ही हाथ लगेगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लखीमपुर मामले से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के उठ खड़े होने की उम्मीद लगा रहे लोगों को निराशा हो सकती है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी से जुड़ी समस्याओं का कोई त्वरित समाधान है ही नहीं। बाराबंकी के शहफपुर टोल प्लाजा पर प्रियंका गांधी की गाड़ी के पीछे पीछे कांग्रेस के अन्य लोगों की गाड़ियां भी दनादन कर टोल पार कर गई थी। इस दौरान करीब 70 गाड़ियां बिना टोल चुकाए वहां से निकली थी। टोल कर्मियों ने जानकारी दी है कि टोल प्लाजा से निकली बड़ी संख्या में गाड़ियों के चलते NHAI को करीब 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इस्लामिक देश के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने एक बार फिर भारत के अंदरूनी मामले पर बयानबाजी की है। इस बार OIC ने असम में हाल ही में हुए हिंसा के लिए भारत को ज्ञान दिया है। OIC अक्सर कश्मीर को लेकर बयानबाजी करता रहा है। यही कारण है कि कई बार भारत ने इस्लामी देशों के संगठन को आड़े हाथों भी लिया है। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के एक सहयोगी बल के रूप में अस्तित्व में आई भारतीय वायुसेना आज दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। अपने 9 दशक के इस यात्रा में भारतीय वायुसेना कई बदलाव के दौर से गुजरी है। देश के लिए लड़ते हुए इसने अपनी वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का अद्भुत मिसाल भी पेश किया है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी स्टाफ को बिना कोरोना वैक्सीन के ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। ये नियम 16 अक्टूबर से लागू होंगे। वैक्सीन की कम से कम एक डोज जरूरी है। DDMA ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने COVID-19 रोधी टीके की एक खुराक भी नहीं ली है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित की जाएगी। मौद्रिक नीति बैठक के बाद एक वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि RBI सरकार के उधार कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए बाजार का समर्थन करना जारी रखेंगे। केरल विधानसभा को शुक्रवार को देवसम मंदिर मंत्री के राधाकृष्णन ने सूचित किया है कि सरकार प्रस्तावित सबरीमाला हवाई अड्डे के साथ आगे बढ़ रही है। इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। राधाकृष्णन प्रस्तावित सबरीमाला हवाई अड्डे के विषय पर एन जयराज द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के लिए जवाब दे रहे थे।
तथ्य है, बीते 24 घंटे में देश में 21,257 नए मामले सामने आए हैं, जो कल यानी कि गुरुवार से 5.2% कम है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,39,15,569 पर पहुंच गया है। वहीं इस दौरान 271 लोगों की जान भी गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में सभी छोटे बड़े दलों ने भी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। इसी के तहत भाजपा के सहयोगी अपना दल ने विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, टुनटुन यादव, मनीष मोहरा, प्रियंका सिंह, होरिल पंडित, अजय आनंद, राजेश सोंथियाल, ओमकार सिंह, सुधांशु शेखर, पवन कुमार, नरेश कुमार, अनिल कुमार, गजेंद्र सिंह, अमन एंड अंकित टेक्निकल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना के मामलों में कमी आने का अहम कारण आपके अनुसार क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।